नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांबा और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। तो मध्य प्रदेश के वर्तमान सीएम मोहन यादव कितनी भी कोशिशें कर ले कि वो पूर्व सीएम और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान से दो कदम आगे चले जाएंगे, लेकिन ऐसा होना संभव नहीं, क्योंकि सभी ये अच्छे तरीके से जानते हैं कि शिवराज की छवि को और उनकी यादों को जनता के दिल से मिटा पाना, भुला पाना बेहद मुश्किल है। शिवराज सिंह चौहान एक ऐसे व्यक्तित्व वाले राजनेता हैं जिन्हें अपनी ही पार्टी नहीं बल्कि विपक्षी पार्टियां भी बेहद सम्मान देती हैं। और मोहन यादव को लगा था कि कुछ उलझुलूल बयान देकर वो शिवराज सिंह चौहान का नाम मध्य प्रदेश से मिटा देंगे। वहीं बीजेपी आलाकमान को शायद लगा था कि अगर उन्हें दिल्ली बुला लिया जाएगा तो एमपी की जनता उन्हें भूल जाएगी और मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव को उनकी जगह दे देगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अभी हाल ही में मोहन यादव ने एक बयान दिया था जिसके बाद सियासत गर्म हो गई थी और यह कहा जाने लगा कि मोहन यादव को यह बात अब याद आई है जब शिवराज सिंह चौहान किसी योजना के दम पर उन्होंने लोकसभा का चुनाव जीता है। याद कीजिए, मोहन यादव ने एक निजी पत्रिका से बातचीत करते हुए इस बात को कहा था कि लाडली बहना योजना जो है वो शिवराज सिंह चौहान की नहीं बल्कि असम के सीएम हेमंत बिस्वा सरमा की देन है। हालांकि मध्य प्रदेश में उसे लाने वाले और तमाम महिलाओं को खुश करने वाले शिवराज सिंह चौहान ही थे। खैर, क्रेडिट वॉर अब देखा जा रहा है, लेकिन इसके इतर शिवराज सिंह चौहान ने बिन कुछ कहे ही मोहन यादव की बोलती बंद कर दी है। कैसे, वो भी आपको बता देते हैं। दरअसल शिवराज सिंह चौहान अब दिल्ली में रहते हैं, चूंकि सांसद और केंद्रीय मंत्री दोनों हैं, उनका रुतबा काफी बढ़ गया है। तो दिल्ली में रहने के बाद जब वो भोपाल पहुंचे, मध्य प्रदेश बेहद कम आना जाना उनका रहता है, मध्य प्रदेश के भोपाल पहुंचते ही उनका ऐसा जोरदार स्वागत किया गया कि मोहन यादव भी देखते रह गए होंगे, वो भी सोच में पड़ गए होंगे कि भैया इन्हें भेजा दिल्ली इसलिए था कि मध्य प्रदेश की जनता से इनके रुतबे को कम कर दिया जाए, लेकिन ये बार तो उल्टा पड़ गया है। जो दरख्वास्त लगाई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हमने कि अगर दिल्ली चले गए तो हम थोड़ी जगह बना लेंगे, थोड़ा स्पेस बना लेंगे, वो कोशिश अधूरी रह गई। जब शिवराज सिंह चौहान यहां पहुंचे तो उनका भव्य तरीके से स्वागत किया गया, तमाम लाडली बहनें पहुंची। और सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि मध्य प्रदेश के सीएम अभी मोहन यादव है, फिर भी जनता शिवराज सिंह चौहान के समक्ष आई और अपनी अपनी परेशानियां बताई। कुछ लोग वहां पर अपनी अपनी फरियाद लेकर आए थे कि देखिए साहब, हमारा ये काम नहीं हो रहा है, हम यहाँ फंसे हुए हैं, हमारे साथ ये समस्या है, उसका निदान आप कीजिए। और ये बहुत बड़ी बात हो जाती है कि वर्तमान सीएम के पास ना जाकर लोग पूर्व सीएम पर भरोसा जता रहे हैं। इसके अलावा लाडली बहनों का वहां पहुंचना इस बात का सबूत है कि अभी भी लोग और वहां की महिलाएं शिवराज सिंह चौहान को नहीं भूली हैं। आपको याद होगा कि शिवराज सिंह चौहान ने जब मुख्यमंत्री आवास छोड़ा था, इसके बाद उन्होंने भोपाल के अपने घर पर मामा का घर नाम का बोर्ड लगा दिया था, जिसके बाद उनके मामा की छवि और भी ज्यादा पसंद की जाने लगी और लोगों ने इस बात को भी कहा कि चाहे आज वो मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं, लेकिन हमारे मामा शिवराज सिंह चौहान ने ये साफ कर दिया है कि वो हमारे लिए हमेशा खड़े रहेंगे और हम उनकी सेवा में हमेशा रहेंगे। तो एक बार फिर से शिवराज सिंह चौहान ने शक्ति प्रदर्शन से ये साबित कर दिया कि चाहे वो मुख्यमंत्री नहीं है, लेकिन उनका जलवा अभी भी मध्य प्रदेश में कायम है। और मोहन यादव के लिए भी ये बुरी खबर है, ये बुरी तस्वीर है, जब वो वहां पर पहुंचे और उनका भव्य स्वागत किया गया, क्योंकि ऐसा स्वागत शायद ही कभी मोहन यादव का किया गया हो। लेकिन क्या आपको भी लगता है कि शिवराज सिंह चौहान के नाम को मध्य प्रदेश की राजनीति से हटाना मोहन यादव के लिए बहुत आसान होगा या फिर बहुत ज्यादा कठिन होने वाला है? आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं।